हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और मैं इंडियन हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे और इस वीडियो पे रिएक्शन भी देंगे, वीडियो अरेस्ट पारस सिंह फॉर प्रमोटिंग रेसिज्म अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश, ये वीडियो का टाइटल है। ये जो पारस सिंह है, उन्होंने जो हरकतें की है उसके बाद बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। और सच में ऐसे लोगों को पनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में बहुत सारी बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लेंजिंग डोमिंग है, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और मैं एक इंडियन हूँ। शायद आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा कि मैंने अपने आप को इंडियन बोल के क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे। क्योंकि या तो कुछ लोग नहीं जानते या फिर कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम अरुणाचली भी इंडियंस होते हैं। इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम अरुणाचली भी तो इंडियंस हैं, हमें भी तो रहने का हक है, हमें भी तो बोलने का हक है। ना, हम 2021 में जी रहे हैं और हम सभी इंडियंस को ये बात पता होनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया का ही एक स्टेट है। तो मैंने जो अभी बात बोली, क्यों बोला मैं बताता हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ पारस सिंह की, जिसका YouTube में एक गेमिंग चैनल है एंड ही हैज अराउंड मोर देन 4,50,000 सब्सक्राइबर्स एंड दीज नंबर्स आर इनफ टू इन्फ्लुएंस मेनी पीपल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने PUBG को बैन किया था और इस साल शायद PUBG वापस आने वाली है। तो हमारे स्टेट के एक MLA सर मिस्टर निन्नोंग इरिंग ने PUBG अनबैन को अपोज करते हुए मोदी जी को टैग करते हुए रिक्वेस्ट करते हुए ट्वीट किया कि PUBG को अनबैन नहीं होने दिया जाना चाहिए इंडिया में। ये पॉइंट देते हुए कि PUBG गेम हमारे इंडिया की सिक्योरिटी एंड सिटीजंस के प्राइवेसी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो उसी अनबैन वाली बात से ट्रिगर्ड होके ये लड़का पारस सिंह ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला और वीडियो का टाइटल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और उसमें हमारे MLA सर से डिसएग्री करते हुए ये बोला। आफ्टर नाउ मतलब 100 में से 90% गेम्स में टेंसेंट के शेयर रहते हैं, क्योंकि वो है ही गेमिंग कंपनी है, सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, तो उसके शेयर तो रहेंगे। और इसने नोटिस के अंदर यही चीज़ें लिखी हैं कि PUBG मोबाइल को ही रीलॉन्च किया जा रहा है, नेम चेंज करके गन के नेम। भाई गन के नेम तो चेंज ही नहीं हो रहे, कौन सी कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो तुम, हैं? मतलब कुछ भी, यहाँ पर हम PUBG वालों के साथ ऑफिशियली जुड़े हुए हैं, हमें ही नहीं पता भाई गन के नाम भी चेंज हो रहे हैं। सिर्फ PUBG का नेम चेंज हो रहा है और हल्के फुल्के चेंजेस हैं अंदर 18 साल वालों के लिए, और 2-3 चेंजेस हो रहे हैं जो कि अभी हम नहीं बता सकते, जब गेम आएगी तभी सबके सामने आएगा। मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। यहाँ पारस ने जो बोला उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका खुद का नॉलेज है, अपना ओपिनियन है। बट इसमें भी पारस हमारे MLA सर को तुम बोल के एड्रेस कर रहे हैं, बट कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं, पर्सनली उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा इसलिए उसने तुम बोल दिया होगा MLA को। ठीक है, यहाँ तक हम एग्री करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पारस उसके पास दुनिया भर का नॉलेज है। बट कोई नहीं, उसमें ही प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई आप ये स्टेटमेंट सुन लीजिए। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फ़ोटो भी देख लेते हैं हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हों, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। तो इस वाले स्टेटमेंट में पारस ने MLA सर की फोटो को जूम किया और बाकी अरुणाचली लोगों का फोटो दिखाया और बोला कि ये लोग किस एंगल से इंडियन लग रहे हैं। और इस स्टेटमेंट में पारस अपने ऑडियंस को मिसगाइड कर रहा है, हम अरुणाचली लोगों को नॉन इंडियन बोल के ऑन द बेसिस ऑफ आवर लुक्स, और यही से शुरू होता है इस जनाब का रेसिज्म। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई इंडियन बंदा दिखने में डार्क कलर का है तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोल देंगे? नहीं ना। तो उस बंदे की उसमें कोई गलती नहीं कि वो दिखने में डार्क है, तो उसी तरह हमारी भी कोई गलती नहीं कि हम दिखने में ऐसे हैं। तो ये जो बंदा है पारस सिंह, वो अपने स्टेटमेंट से साफ साफ रेसिज्म फैला रहा है, और ये यही तक नहीं रुकता, आप आगे देखिए। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। अभी हमारे नाम का मजाक उड़ाते हुए रेसिज्म फैला रहा है, इसके हिसाब में हर इंडियन बंदा का नाम सचिन, आशीष या फिर राहुल होना चाहिए, मतलब हिंदी नाम ही होना चाहिए। वाह, और भी इसने आगे में स्टेटमेंट दिया, देखिए। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो 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 हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीस सिटीज़ हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। ये साला इंडिया मैप दिखाते हुए पूछता है कि अरुणाचल कहाँ है, एंड द वे ही सेज ओहो हो,
अरुणाचल के साइड में चाइनीज सिटीज है, मतलब चाइना वालों का ही है अरुणाचल। अकॉर्डिंग टू पारस हम चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो हम चाइनीज हो गए। उस हिसाब से तो पंजाब और राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो लोग भी पाकिस्तानी हो गए। पारस के हिसाब से तो जो स्टेट्स इंडिया के बीचों बीच है वही स्टेट्स इंडिया के स्टेट्स है। भाई मैं तुझे बता रहा हूँ कि हम सभी इंडियंस है। मैं यूं ही अपने वीडियोस के एंडिंग में जय हिंद वंदे मातरम नहीं बोलता। यूं ही मेरी दीदी जो कि इंडियन आर्मी में है वो देश की सेवा नहीं कर रही है, वो दिलो जान से अपने आप को इंडियन मानते हुए सेवा कर रही है। ये धरती माँ जितनी बाकी स्टेट्स के लोगों के हैं उतने ही हम अरुणाचली लोगों के लिए भी है, हम नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए भी है। एक्चुअली मैं बताऊँ इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके दिमाग में ये बैठ गया है कि एक छोटे से शहर के एमएलए ने, अरुणाचल के एमएलए ने जो कि चाइनीज जैसा दिखता है वो कौन होता है पबजी को बैन कराने वाला। तो उसी रीजन से पारस भाई साहब ने ये वीडियो बनाया और प्रूव करने में लग गया कि हम अरुणाचली लोग चाइनीज होते हैं अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। एक्चुअली इस बंदे को जितना गाली दू कम है, ऐसे लोगों की वजह से रेसिज्म होता है कास्ट को लेके, कलर को लेके, जेंडर को लेके और अलग अलग चीज़ों को लेके। और इसने जो हमारे लुक्स या कलर को लेके जो रेसिज्म फैलाया है ना, ये बस हम अरुणाचली लोग फेस नहीं करते, हम पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले फेस करते हैं। पारस जैसे लोगों की वजह से ही हम नॉर्थ ईस्ट और बाकी स्टेट्स के जो लोग हैं ना उनके बीच में जो भाईचारा का रिलेशन है वो खराब होता है। हम सभी इंडियंस को दिल और दिमाग से ये बात ठान लेना चाहिए कि हम किसी भी स्टेट से हों हम इंडियंस ही है और किसी भी स्टेट के साथ किसी भी चीज को लेके रिलेशन कभी खराब नहीं करेंगे। एंड दिस गाय पारस शुड हैव चोजन हिज वर्ड्स वेरी वाइजली। ऐसे यूट्यूब चैनल्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स फ्यूचर में हमारे देश का बंटवारा कर सकते हैं। सो डियर पारस, तू एक अच्छा गेमर जरूर हो सकता है बट तू एक सच्चा इंडियन नहीं हो सकता जो हमारे देश के लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं अपना ओपिनियन बता देना चाहूंगा आप सभी को कि मेरे ओपिनियन में पारस को अरेस्ट किया जाना चाहिए उसके इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए। और मैं हमारे जो सीएम सर है पेमा खांडू और हमारे रिजिजू साहब उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ को लेके, पारस के इस स्टेटमेंट को लेके जरूर एक्शन लीजिएगा। एंड गाइस पारस का जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी बड़ा है, ही हैज अराउंड मोर देन 450,000 सब्सक्राइबर्स जिसके थ्रू वो कई मासूम बच्चों को गलत वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ऐसे चैनल का एग्जिस्ट करना हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है जो बहुत रेसिज्म फैलाता हो, जो हेटेड फैलाता हो। तो इस चैनल को तो बैन होना ही होना चाहिए। तो मैं इस चैनल को बैन करने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ। ही हैज अराउंड मोर देन 450,000 सब्सक्राइबर्स। तो अगर 45,000 लोगों ने मास रिपोर्टिंग की, यानी कि 45,000 लोगों ने इस चैनल को रिपोर्ट किया, चैनल को, मैं वीडियो को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चैनल को रिपोर्ट किया, तो इसका जो चैनल है वो बैन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग उसके चैनल को रिपोर्ट करें। मैं उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या पता मेरे वीडियो डलने तक वो शायद अपना वीडियो रिमूव कर दे, बट ये आपके हाथों में है कि आप उसके चैनल को रिपोर्ट कर सकते हो कि नहीं। तो प्लीज ऐसे चैनल को रिपोर्ट कीजिए जो हेटेड फैलाता हो। जितने भी इंडियन लोग देख रहे हैं, जो हम अरुणाचली लोगों को, जो हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भाई मानते हैं या फिर बहन मानते हैं, अपना मानते हैं, अपना इंडियन मानते हैं, प्लीज इस चैनल को रिपोर्ट कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके चैनल का। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो पारस का यूट्यूब अकाउंट है वो बैन हो जाए। और लास्टली मैं अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बोलना चाहूंगा कि बदलाव एक दिन जरूर आएगा। आप लोग प्लीज डिसहार्टन मत होइए, ऐसा होता है लाइफ में, डिसहार्टन मत होइए। बस उस चैनल को रिपोर्ट कीजिए और दिखा दीजिए कि हम में कितनी यूनिटी है, हम पूरे इंडियंस में कितनी यूनिटी है। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, खून खोल रहा है सच में। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे, रेसिज्म पे दो वीडियो बना चुका हूँ और ये मुझे कल पता चला था कि ऐसा कुछ हुआ है। और मैं कल नज़र बनाए हुआ था इस न्यूज़ पे, मैं चाहता था कि और भी निकल के आए, नेशनल मीडिया में आए, पर हमारे देश का सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहा इस न्यूज़ पे कि पारस सिंह लेटेस्ट न्यूज़, ये हिंदी मीडिया, इंग्लिश मीडिया, ये सर्च करता रहा मैं, पर मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली। लास्ट मैं अभी आई थिंक 4 PM टाइम हो रहा है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये, और इस वक्त तक मैं सर्च कर रहा था कि किसी ना किसी हिंदी या इंग्लिश न्यूज़ पे इसकी न्यूज़ आ जाए और मैं एक्चुअली उस पे ही रिएक्शन देने वाला था। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अगर आप, आपके बाप के उम्र के एमएलए है, ये बात थोड़ा साइड में रखते हैं, आप आपके बाप के उम्र के इंसान को तू करके बात करते हैं और उससे भी बहुत ही ज़्यादा आगे जाके आप अरुणाचल को चाइनीज़ कहते हैं, वह उनकी फ़ोटो जूम करके दिखाते और बोलते ये तो इंडियन दिखता ही नहीं है, तो फिर आप मानसिक बीमार है।
आपको मेंटल हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या फिर आप अभी तक स्कूल गए ही नहीं, बस आप मोबाइल पे गेम खेल रहे और वही आपकी दुनिया है। ये बंदा लिटरली मुझे पागल लग रहा है। अगर आप सोच सकते हैं कि पबजी को अनबैन करने से वो जो MLA साहब है वो रोकना चाहते हैं, इनको इतना ज़्यादा बुरा लगा कि जैसे अभी मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा बुरा शब्द आ रहा था उसके लिए। पर ये पारस सिंह सच में पागल इंसान है। मेरा ओपिनियन ये है इस टॉपिक पे और पारस सिंह के ऊपर कि मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि लास्ट जब मैंने इसके ऊपर अपडेट लिया था तो मुझे ये पता चला है कि अरुणाचल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। पर अब मैं उस पर बोलता हूँ कि अरुणाचल पुलिस से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ जो भी पुलिस सुपरिटेंडेंट है वहाँ के जिनके अंडर एक केस आ रहा है उनको इंडिया और चाइना का जितना बॉर्डर है अरुणाचल से लगता है इंडिया चाइना बॉर्डर, उस पूरे बॉर्डर पे बिना शूज बिना चप्पल के और उसके पीठ पे 50 किलो का कुछ बोझ दे दीजिए और उसके बाद उसको पूरा बॉर्डर घुमाइए, वहाँ पे जाके जितने पहाड़ है वो पूरे घुमाइए, उसके बाद उसको अरुणाचल प्रदेश कहा है ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। अगर पढ़े लिखे लोग, हम हमेशा कहते हैं कि जो अनपढ़ गवार लोग हैं उनकी बात अलग है, पर पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे हरकतें करने लगेंगे तो सच में जैसे भाई ने कहा वो होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर लग रहा है मुझे, जो कि दिल्ली में बैठ के भारत विरोधी जो नारे लगाते उस टाइप का है ये। यहाँ पे मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, जैसे हमारे भाई ने यूट्यूबर है उन्होंने कहा कि उनकी सिस्टर आर्मी में है, इनको कोई हंगपन दादा का वीडियो दिखाओ, उनको कोई हंगपन दादा की स्टोरी सुनाओ जो अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से थे, उन्होंने उनको अच्छी पोस्टिंग मिल रही थी, सेफ जगह पे पोस्टिंग मिल रही थी, फिर भी उन्होंने RR में जाना चुना, उन्होंने RR में लास्ट तक अपनी ड्यूटी की और 3 से 4 टेररिस्ट को मारते हुए वो खुद शहीद हो गए इस देश के लिए। जब तक उनमें जान थी वो गोलियां चला रहे थे, वो अरुणाचल प्रदेश के हैं, वो भी तुम्हारे तरह नहीं दिखते, उनका फेस भी बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों जैसा ही था। पर जब उनके दो एक बेटा और एक बेटी है, जब उनको पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, तो उनके बेटी और बेटे का भी कहना था कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे, और ये पारस सिंह पागल इंसान ऐसी बातें कर रहा है। मैं कम से कम 8 से 9 महीने हो गए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं खुद जानता हूँ, सच में माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, जितने प्यारे मुझे जितना प्यार मुझे नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मैं नॉर्मल इंसान हूँ, एक नॉर्मल इंसान से लोग इतना प्यार कर सकते हैं, और हमारे देश में कुछ ऐसे सरफिरे लोग हैं। पर मैं सारे जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन मेरे फ्रेंड है सबसे कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जब भी ऐसी हरकत करे कम से कम 25 से 40 इनके ऊपर FIR दर्ज करिए, हर डिस्ट्रिक्ट में FIR दर्ज करिए। मुझे इसके माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा है, इसके माँ का भी वीडियो देखा जो हाथ जोड़ के रो रही है, बोल रही है कि मेरा एकलौता एक बेटा है, उसके फादर भी नहीं है। पर शायद पर आंटी आपने अगर इसको सही तमीज़ सिखाई होती, लोगों से कैसे बात करते ये सिखाया होता, तो आज ये दिन नहीं आते। ऐसे इंसान को सच में पनिशमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ऐसे खुले सांड की तरह घूमते रहे तो और इनको पनिशमेंट नहीं मिली तो इनका देख के कई लोग ये हरकतें करना शुरू कर देंगे। मेरे तो अरुणाचल प्रदेश के जो होम मिनिस्टर है वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा बॉर्डर घुमाइए विदाउट शूज नंगे पैर, वो भी इसके जो आर्मी वाले पूरा पीठ पे पिट्टू लेके घूम चलते वैसा पिट्टू इसके पीठ पे लदा दीजिए और इसको पूरा बॉर्डर घुमाइए जो चाइना से लग के इंडिया का बॉर्डर है। ऐसे रेसिज्म करने वाले लोगों के बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी बात कही, अगर आपके साथ ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बोल रहा हूँ पर सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर रेसिज्म कोई भी करता है किसी के साथ, खासकर मेरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भाई बहन मेरे दोस्त हैं उनके लिए, आप कहीं पे भी रहे, आपके साथ कभी भी ऐसे चीज़ें होती है कोई आपको चाइनीज़ कहता है या फिर चिंकी कहता है या फिर इस पागल की तरह कोई आपसे ऐसे बदतमीजी से बात करता है,
तो सब लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है जो इस वक्त हो रहा है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के यूट्यूबर हैं और अदर जितने भी छोटे बड़े यूट्यूबर हैं सब एक हो गए, हम नेशनल मीडिया के भरोसे नहीं बैठे। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जितने भी मैं वीडियो, जब मैंने इस बंदे का नाम डाला तो इतने सारे लोगों के वीडियो उसकी लिस्ट आई, मैं बहुत ज़्यादा इस बात से खुश हो गया। ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के, बाकी अदर जगहों के भी जितने यूट्यूबर्स हैं सब लोग उठ के सामने आ गए और उन्होंने अपना अपना ओपिनियन रखा। ना सिर्फ ओपिनियन रखा, सब लोगों ने भी इस बंदे को पनिशमेंट देने की बात कही और अभी उसको अरेस्ट भी किया है। पर जैसे कि मैं कह रहा था कि ऐसा होता है, कोई भी ऐसे पागलों जैसे हरकत करता है और रेसिज्म करता है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पुलिस स्टेशन में ऐसे बंदे के खिलाफ कम से कम 20 से 30 FIR दर्ज कर दीजिए। इसको कम से कम 2 साल लगने चाहिए इस पुलिस स्टेशन में उस पुलिस स्टेशन जाने के लिए और फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। मैं इसके बाकी वीडियोस में मैंने देखा, जो नॉर्थ ईस्ट के चैनल्स है उस पर भी सब कुछ दिखा रहे हैं, अरुणाचल के भी जितने बड़े यूट्यूबर्स, छोटे यूट्यूबर्स, सब लोगों ने बहुत यूनिटी दिखाई इस मसले पे और आगे भी दिखाने की बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ पे पारस सिंह के लिए एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से वो लोग चाइना बॉर्डर पे हैं, तुम भी पंजाब में हो और पंजाब का बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर, तुम्हें देख के तुम्हारा फ़ोटो जूम करके कोई भी कह सकता है कि तुम पाकिस्तानी हो, पर लोग तुम्हें कहते नहीं हैं। बाकी लोग तुम्हारी तरह बदतमीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग तुम्हारी सारी हरकतें सह लेंगे। तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए, तुम्हारे माँ के लिए बुरा लग रहा है पर जब तक तुम्हें अच्छी पनिशमेंट नहीं मिलती तब तक तुम सुधरने वाले नहीं हो। और सच में जैसे भाई कह रहे थे अभी उनके वीडियो में, आप सबसे भी मैं भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका जो चैनल है उसको जितना हो सकता है आप जितना लोगों को वीडियोस को सर्कुलेट कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं, करें और इसका चैनल ज़रूर बैन होना चाहिए। ये इंसान ये गेम की वजह से ये ऐसे हरकत कर सकता है, इतने गंदी सोच रख सकता है, तो इसका चैनल होना सबके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि एक बार ये छूट गया तो फिर से हरकत नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसको सबक मिलेगा, जो बाकी इसके जैसे बदतमीज़ है या फिर गंदे दिमाग वाले लोग हैं वो, उन लोगों को एक सबक मिल जाएगा कि ये ऐसे गंदी हरकत करेंगे तो उनके भी हाल इसके तरह हो सकता है। और आप लोगों ने इस वक्त जिस तरीके से यूनिटी दिखाई है तो आगे भी ऐसा कुछ होता है तो यूनाइटेड रहिए, यूनिटी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय।